नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिटल। देश के आन बान शान कहे जाने वाले वीरों की शहादत पर देश में उमड़ा जन सैलाब। हिंदू जागरण मंच ने चाइनीज सामानों की होली जलाकर मोदी सरकार से की तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित करने की अपील। पूरे देश में ड्रैगन चाइना के खिलाफ जन आक्रोश नजर आने लगा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ता चीन की कायराना हरकत पर चाइना का जमकर विरोध कर रहे हैं। भारतीय नागरिक चाइना से बनी हर सामान का बहिष्कार करते हुए चीनी सामान को जलाकर होली मना रहे हैं। वहीं हिंदू मंच के लोगों ने चाइना से आने वाले हर सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की लोगों से अपील की है। हिंदू जागरण मंच के विमल द्विवेदी ने बताया है कि एक कर्नल सहित कई जवानों को वीर गति प्राप्त होने की खबर ने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया है। वह हमें चीन के खिलाफ अपनी रणनीति बदलने पर विवश कर दिया है। ऐसे धोखेबाज देश पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। बातचीत का नाटक करके धोखे से कायराना हमला करने वाला चीन गद्दार है, लेकिन भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने चीनी सैनिकों के मरने की संख्या लगभग 35 बताई है, लेकिन हमारे देश के सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों के मरने की संख्या करीब 40 बताई गई है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के जवानों की शहादत को किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी दुश्मन देशों को यह बता दिया है कि हम पहले किसी को छेड़ते नहीं है, और अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। इस समय पूरा देश सेना और भारत सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को सरकारी टेंडरों से चीनी कंपनियों को तत्काल बाहर कर देना चाहिए व तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर देना चाहिए। समाचार टू जेड के लिए उन्नाव से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। चीन के द्वारा एक कायराना हमला भारतीय सेना पर किया गया है, जिसमें कि एक सेना के अधिकारी सहित कई जवान हताहत होने की खबरें आ रही हैं, और लगातार भारतीय सेना में और चीन की सेना में झड़प चल रही है। कई सैनिक इधर से हताहत हैं और कई उधर से, और इस लेकर हिंदू जागरण मंच लगातार चाइना का विरोध करता आ रहा है और चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करता आ रहा है। चाइना इस क्रम में जो है हिंदू जागरण मंच की इस विरोध में जिस तरह से चाइना ने किया है उसके विरोध में आज चाइनीज वस्तुओं को की होली जलाकर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। उधर से अभी कोई अधिकारी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि उधर के भी कोई लोग जो है खत्म हुए या हताहत हुए हैं। उधर की जैसा कि लोगों ने माना है कि 43 लोगों की वो हुई है, तो उसकी पुष्टि की जा चुकी है। और जिस तरह से आ रहा है कि पूरी तरह से चीन जिस तरह से अपने वहाँ वाहन खड़े किए हैं, वाहनों पर लग रहा है कि पूर्ण हथियारों के साथ वहाँ लैस हथियार बॉर्डर पर खड़े किए हैं, तो लगता है कि वो युद्ध की स्थिति में है और भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में भारत कभी पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरह से मैं मोदी जी की सराहना करना चाहता हूँ कि पहली बार भारतीय सेना को स्वतंत्रता दी गई है कि वो समय पे जैसी स्थिति देखे वैसा निर्णय ले सकती है। जैसे पाकिस्तान पर साजिश का स्ट्राइक होते तो क्या? अब सबको ज्ञात होगा कि ये लगभग 20 सैनिकों के हताहत वहाँ पर हमारे लोगों की जानकारी थी। वैसे सेम डे 43 सैनिकों चीन के मारे जा चुके हैं, और जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 150 सैनिक चीन के मारे जा चुके हैं। ये बड़ी भारतीय सेना की वो है, और भारतीय सेना को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना हर तरीके से अच्छा है और पूरा देश भारतीय सेना के साथ है, हम सब साथ हैं। भारत ने जो है ठेका दिया है कि चाइना कंपनी को 11,000 करोड़ का। हम लोग ये मांग करते हैं, जैसा कि आपने जाना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख जी द्वारा भी ये मांग की गई है कि चीनी कंपनियों को टेंडर से हटाया जाए और इनका बहिष्कार किया जाए और तिब्बत को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मांग हिंदू जागरण मंच के द्वारा और समस्त देशवासियों के द्वारा मांग की जा रही है।